मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख में इजाफा देखने में आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख में 14.5% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नवा माली साल के पहले 7 माह में 12.91 मिलियन टन तेल की फरोख्त हुई है। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान तेल की फरोख्त 11.27 मिलियन टन रही। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद से। शिराज अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है? अब तो पेट्रोल भी महंगा है, उसके बावजूद इसकी जो खरीदो फरोख्त उसमें इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, रवां माली साल के 7 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है और अदाद शुमार के मुताबिक 7 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में जो है 12.91 मिलियन जो टन तेल है उसकी फरोख्त हुई थी। इस हवाले से जब हमारी माशी माहरीन से बात हुई तो उनका ये मौकफ है कि गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से जो है सूरतेहाल काफी ज्यादा संगीन थी। एक तरफ पैदावारी अमल शदीद मुतासिर हो सनतों में, तो दूसरी जानब ट्रैवलिंग, होटलिंग और दीगर एक्टिविटीज जो है वो काफी अर्से तक मुअत्तल रही थी और इसी वजह से जो तेल की तलब है उसमें गिरावट देखी गई थी। ताहम रवां साल सूरतेहाल जो है वो काफी ज्यादा बेहतर देखी गई, लॉकडाउन लगाए गए, जबकि दीगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी मामूल के मुताबिक जारी रही। इसके अलावा सिंध में जो है खास करके वो एनर्जी का जो बहरान है, खास करके गैस का जो बहरान है वो देखा गया, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल की भी जो तलब है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इसी वजह से तेल की फरोख जो है वो रवां 7 माह के दौरान जो है काफी ज्यादा उसमें इजाफा देखा गया। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे।